हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन गाइस। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में एंड उम्मीद करती हूँ मैं आज का व्लॉग भी आप इन्जॉय करें, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो तो क्या इंटरेस्टिंग हो तो आपको व्लॉग में पता चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आप वैसे इन्जॉय करें। अगर इन्जॉय करेंगे तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारी अरबी हुई है, देखिए इसके पत्ते, इसके पकौड़े भी बनते हैं, सब्जी भी मैंने आपको शेयर की थी अपने ब्लॉग में। तो आप आइए आगे मेरे साथ और यहाँ पे देखिए ये फ्रूट्स लगा है। कौन सा फ्रूट्स है ये अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये अब दो किस्म का है, यानी एक ग्रीन और पक के देखो येलो हो गया। तो एक को मैं तोड़ लेती हूँ और खा के देखेंगे, आज इसे खा के देखेंगे कि पक गया कि नहीं, क्योंकि येलो हो गया ये। और देखिए रसीले रसीले फल है, काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या विटामिन सी मिलता है हमको, इसमें विटामिन सी मिलता है और काफ़ी रसीले फल है और जूसी फल है। तो आज इसे खा के देखेंगे क्योंकि धूप बड़ी मस्त लगी है। और ये देखिए मेरे आसपास का व्यू काफ़ी मस्त है। इधर आइए आप और यहाँ से देखिए अलकनंदा नदी का नज़ारा काफ़ी गजब का बना हुआ है। ये देखिए सामने और पहाड़ देखिए, बिल्कुल ग्रीन पहाड़ है, आसमान नीला नीला आसमान में वाइट वाइट बादल लगे हुए हैं, सफ़ेद बादल से छाया हुआ है पूरा आसमान। और ये देखिए चकोतरा भी नहीं है ये, तो देखते कौन सा फल है। और आज मैं बना रही हूँ सीजन की पहली खटाई और यहाँ पे है नींबू, क्योंकि मैंने छिलका इसका उतार लिया है। और इस तरह से देखिए, क्योंकि मैंने इसे टेस्ट किया ये खट्टा है, इसकी मैंने सोचा खटाई बना दूँ। यहाँ पे रखी है मलाई, ये है शुगर यानी चीनी, और यहाँ पे मसाले हैं क्योंकि धनिया पत्तियाँ नहीं है हम पे नमक पीसने के लिए। यहाँ पर मैंने नमक लिया है, लहसुन है, हरी मिर्च है, तो हरा धनिया के बदले हम यहाँ पे धनिया को भून कर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं भूनूंगी थोड़ा धनिया, साबुत धनिया को लिया है और भांग, भांग ये नशा वाला नहीं है, खाने वाला भांग है, इससे नमक भी बनता है। तो इन दोनों को हम भून लेते हैं, इससे जो सीजन की खटाई बना रही थी काफ़ी टेस्टी बनेगी और स्वादिष्ट बहुत ही अच्छा होगा। यह पहाड़ों में माल्टे संतरे सब रेडी हो जाते हैं खाने लायक, लोग जाते हैं काम करके और इन चीज़ों को खाते हैं। ये देखिए भून गए हैं, छलने लग गए हैं, इनको हम डाल देते हैं और अब मैं नमक पीसना स्टार्ट कर देती हूँ। और नमक इसका रेडी हो गया है, तो इसको हमारे पहाड़ों में कहते हैं पिस्टल। ये काफ़ी फेमस भी है, वायरल भी हुआ था ये, क्योंकि पिस्टल लोन होता है जो उसमें कई चीज़ डाली जाती है, भुना हुआ तिल भी डाल सकते हो, हींग डाल सकते हो, अजवाइन डाल सकते हो, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, और इसमें हम थोड़ा काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे सवा। और इसमें मैंने थोड़ा कलर के लिए हल्दी पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर भी डाला हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा कलर नहीं आ रहा था। और इसमें भुने जीरे की और भांग और धनिया की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब बनाते हैं हम सीजन की पहली खटाई। मैंने दोनों छिलके निकाल दिए बाहर का भी
और जिसके अंदर जो इसमें लगा रहता है कवर वो भी मैंने हटा दिया है। इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। और यहाँ पे मैंने गुड़ भी लिया है, आपके पास जो भी है चीनी है या गुड़ है वो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे लिया है मैंने मलाई और थोड़ा सा दही, आप अलग अलग भी डाल सकते हो, मलाई भी डाल सकते हो या दही भी डाल सकते हो, इससे फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट आता है इसमें। इसमें डाल देते हैं हम ये पाड़ी नमक यानी पिसा लौंग, डाल देंगे गुड़ को, उससे खटाई गर्म होती है। और जाड़ों में इसलिए खाया जाता है क्योंकि खटाई गर्म होती है और धूप में बैठकर इसका खाने का आनंद जो है वो अंदर बैठ के नहीं। इसमें डाल देंगे थोड़ा चीनी भी, आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हो कम ज़्यादा और वैसे भी ले सकते हो। इसमें डाल देंगे हम मलाई और जो दही का मैंने मिक्सअप किया है वो पूरा डाल देंगे। इसमें आप सेंधा नमक भी डाल सकते हो। ये देखिए आजकल हरा धनिया नहीं है मेरे पास, चम्मच से अच्छे से नहीं मिलेगा इसलिए हाथ से ही मिलाएंगे, क्योंकि भगवान के दिए हैं ये, यही हमारी स्पून है, ये तो एक सिर्फ दिखावा है चम्मच। तो आप अपने जो गॉड गिफ्ट मिला है हमको हाथ, उससे हम अच्छे से मिलाकर और अच्छे से हाथों से ही चट करेंगे इसे। तो देखिए सीजन की पहली खटाई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, तो आपको देख के ही लग रहा होगा। सो गाइस अब मैं बताती हूँ आपको खटाई कैसी बनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे मैं हाथों से खाती हूँ, हाथों से ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत बड़ी हो रही है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। एक तो धूप भी इतनी मस्त लगी और खटाई खाने का आनंद और ज़्यादा आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, ये है पहाड़ी ककड़ी और इस समय पानी हमारे शरीर की कमी को पूरा करता है और आजकल पहाड़ों में ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो हम भी लाए पहाड़ी ककड़ी। यहाँ पे खीरा होता है, पहाड़ी ककड़ी नहीं होती है यहाँ पे, ये ठंडे इलाकों में होती है और ये कब्ज की बीमारी को दूर करता है, पेट के रोग को दूर करता है और जो हमारे मतलब छाती में बलगम जमा रहता है उसको भी आसानी से हटा देता है, तो इसको जरूर लेना चाहिए। और ये ठंडा होता है तो हमने यहाँ पर मिलता है पहाड़ी लोड, ये बना है किस किस से, इसमें मैंने क्या क्या डाला है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने नमक, हल्दी, हल्के हल्दी रानी कलर के लिए, धनिया, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, भांग, भांग नशे वाला नहीं खाने वाला भांग होता है, और ये सबको मैंने पीस लिया है बारीक से। अब यहाँ पे इस पहाड़ी ककड़ी को कट करेंगे और उसे खाएंगे, क्योंकि ये टेस्टी होती, स्वादिष्ट होती और मज़ा आता है इसको खाने में, क्योंकि सैलेड में खाया जाता है, इससे रायता भी बड़ा गजब का बनता है। तो अब इसे हम कट करते हैं, तो अब इसे बारीक बारीक कट कर देती हूँ मैं। और इससे चेहरे का रंग भी काफ़ी ग्लो आता है, यानी चेहरा खिल उठता है, क्योंकि पहाड़ी चीज है, ऑर्गेनिक है, कोई भी केमिकल इसमें नहीं है। और आजकल आपको उत्तराखंड में जहाँ भी जाओगे आपको ये पहाड़ी ककड़ी जगह जगह पे दिखते हुए मिलेगी। इसमें डाल देते हैं पहाड़ी नमक और ये देखिए इस तरह से लगाया जाता है पहाड़ी नमक। जब लोग खेतों से काम करके आते हैं उसके बाद अपने खेतों में पानी भी ले जाते हैं, साथ में नमक भी ले जाते हैं, वहाँ पे इस ककड़ी को काटते हैं और खाते हैं बड़े चाव से, काम भी आसानी से होता है, हंसते खेलते हैं और उनका काम भी हो जाता है। देखिए अरे ये काफ़ी फायदेमंद है, इसे खाने चाहिए। इसमें हम कागजी नींबू का रस भी डालेंगे तो उससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। कागजी नींबू इसमें
का रस डाल देंगे। टेस्ट और भी अच्छा होगा, काफी स्वादिष्ट होगी खाने में, मजा आ जाएगा। इसमें आप ऐसा सादा नमक भी डाल सकते हो, लाल मिर्च भी डाल सकते हो अगर आप पहाड़ी नमक नहीं है। बस ये इसको पीस के डिब्बे में भर सकते तो आसानी से काम खाया जाता है। कोई भी चीज खानी हो, कुछ सैलेड फ्रूट्स वगैरह, तो उसमें आप डाल सकते हो। देखिए करती हूँ मैं स्टार्ट, कैसे हो रहा है। बहुत ज्यादा पानी है इसमें, जूसी भी है भाई, सांप में मजा आएगा। पहाड़ी लौड़ के तो क्या बात करनी है, पहाड़ी ककड़ी जरूर आइएगा उत्तराखंड और इसका मजा लीजिए, हम भी और आप भी हमारे ब्लॉग के मजे। आई होप आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।